भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी में गुरुवार से खेला जा रहा है। मैच में राजगान के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज सिराज इमोशनल हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उनका वीडियो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुद शेयर किया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका सिराज ने ही दिया था। उन्होंने दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर को 5 रन पर पवेलियन भेजा। सिराज ने इसी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से डेब्यू किया। डेब्यू टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट चटकाए। सिडनी टेस्ट सिराज के करियर का दूसरा मैच है। पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि यदि मैदान पर कम फैंस हो या ना हो, फिर भी भारत के लिए खेलने से बड़ी प्रेरणा कुछ नहीं हो सकती। एक महान खिलाड़ी ने कहा था, यानी कि MS धोनी ने कहा था कि आप फैंस के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलते हैं। दरअसल यही बात धोनी ने 2011 के विश्व कप में साउथ अफ्रीका के हाथों हार के बाद मीडिया से कही थी। हालांकि ये ग्रुप मुकाबला था, भारतीय टीम ने 2011 का खिताब अपने नाम किया था। उसने फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। सिराज ने IPL के 13वें सीजन में RCB के लिए भी खेले थे। यहां से वो सीधे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे। इस दौरान उनके पिता मोहम्मद गौस का हैदराबाद में इंतकाल हो गया था। वो काफी समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। सिराज ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन पीरियड के कारण पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। हालांकि इसके बाद भी वो देश नहीं लौटे और टीम के साथ बने रहे। हैदराबाद की छोटी सी बस्ती टोली चौकी से आने वाले सिराज ने 7 साल की उम्र में अपने बड़े भाई को भी खो दिया। पिता के निधन के बाद उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि पिता ने मेरा सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो रिक्शा चलाते थे। उनके इंतकाल की खबर मेरे लिए बड़ा झटका है। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट खो दिया। पिता की हमेशा एक ही इच्छा थी और वो हमेशा यही कहते थे कि मेरा बेटा देश का नाम रोशन करेगा, मैं पिता की इच्छा पूरी करूंगा। बड़ी बात यह है कि सिराज के राष्ट्रगान पर इस जेस्चर को देखकर हर किसी की आंखों से आंसू आ गए थे। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।